सुना है कि आजकल लोग कहते हैं कि अब तो उम्र हो चुकी है, अब हम कैसे काम करेंगे, अपने सपनों को कैसे जिएंगे। बट आज हम एक ऐसी शख्स से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने उम्र की कोई सीमा नहीं रखी, जिन्होंने अपना सपना पूरा करा, वो भी 65 साल की उम्र से। सीरियसली, हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स टॉक सेंस विद मी जयंती। और आज हम मिलने जा रहे हैं चंद्रो तोमर जी से, जिनका प्रसिद्ध नाम है शूटर दादी। तो कैसी हैं दादी जी आप? ठीक है। तो दादी जी, जैसे कि अभी हमने सुना कि आपने अपना जो करियर है आपने शुरुआत ही 65 साल की उम्र से किया, तो ये ख्याल आपके जहन में, आपके दिमाग में कैसे आया कि अब मुझे ये, मतलब मैं शूटिंग करना स्टार्ट कर सकती हूँ? तो कैसे स्टार्ट हुआ ये? वो ऐसा आया बेटा, अब मैं जो है यहाँ से पठानों ने पंचायत पूरी लगा रखी थी। हाँ जी, पठानों के घर में। दो एक बॉयस दो गेस गर्ल्स खेल रहे थे। अच्छा, तो मैं जो है उनके से निकली आई, वो बज रहे थे बाजे मैं जब भी बारह इंटर शूटिंग हो रही, मैं उंगे को निकली आई। उंगे को निकलने में मुझे चोखा सा लगा, बढ़िया लगा। बढ़िया लगा? हाँ, बढ़िया लगने में मैं सोची चढ़ के अपनी कुर्ती भी लेकर आऊँगी। अच्छा, तो कल को मैं उसे लेकर आई। अच्छा, तो दो दिन तो हमने बैठ कर देखा दादी पोती में। अच्छा, मैं भर के गान लोड करके जो कर बच्चे, हाँ जी हाँ जी, हाँ लोड करके छर्रा भर के पोती के हाथ में देने लगी। अच्छा, वो पोती रोने लगी। अच्छा, उसको डर लगा? डर की बच्ची थी। ओके। वो कहने लगी माँ यहाँ तो डर लगा, मैं बेटे खेल कर। हाँ हाँ, कोई नहीं डर, मैं हूँ तेरी गैल। अच्छा, मेरे के जी माँ आई तू ही देख, पहले चला गया देखा चला गया मेरा छर्रा पहले टैन में लग गया। अच्छा, उनने जो है बच्चू ने बहुत बोर करी, बच्चे कहने के दादी खेल कर तू तो अच्छा खेल। तो पोती ने सीखा, पोती ने सीखा, उसके साथ साथ ही आपने भी साथ रहे। भाई पोती मेरी जरूरी है। हाँ जी, मेरा तो कहीं नहीं मुझे नौकरी लगानी, पर मैं अपनी पोती के लिए। अच्छा, पोती को कोई केली को भेजे नहीं। अच्छा, इसलिए मैं पोती की गैला हूँ। तो मतलब जैसे कि आपके जो गांव में है, मतलब देखा जाता है जैसे कि जो पुरुष लोग हैं वो ज़्यादा आगे आते हैं, मतलब वो उनका क्या माइंडसेट रहता था, उनकी क्या सोच होती थी कि ऐसा क्या होता था? बेटा ऐसा था, बेटू ने तो मेरू ने, विनोद ने, ओमवीर ने, हाँ जी, मुझे मना नहीं करी। अच्छा, परिवार में थर बाबा जो है वो कह दिया करता नकली, में मना कर देते थे। तो मैंने करी तो मैं कान बहरे कर लिए, एक से सुना दूसरे से निकाल दिया। अच्छा, तो जो कहू गए इनकी भी सह गई, अपनी प्रैक्टिस करू गई, जाऊ गई, नींद छोड़ी अपनी। अच्छा, खाना कम करा। अच्छा, लगन रखी, लगन रखी, इनकी लगन के आगे उम्र की पार नहीं बसती, नहीं बसती। तो मतलब जैसे कि आपने ये सीखना शुरू करा, तो आपको कितना टाइम लगा इसको सीखने में, कितना वक्त लगा? टाइम की दया बात है, लगन का काम है। हाँ जी, लगन करी 15 दिन में अखबार आ गया। अच्छा, अखबार में नाम भी काम भी, पढ़ना लिखना मैं जानती नहीं, गुंठा टेक हूँ भाई, उसमें फोटो हूँ मेरा, नाम काम तो मैं जानती नहीं। हाँ जी हाँ जी, वो भी लको लिया। अच्छा, अगर बेटा कहने का माँ वो अखबार दिए, भाई मजे नहीं बारा कहाँ है। कहने कह रही आज तो गांव में रोड़ा पड़ रहा, बुढ़िया ने नाम कर दिया। अच्छा, ले तो भाई होगा। अच्छा, बांच के अखबार को सबको तसल्ली सी होगी। क्या बात है। बस फिर उसमें ऐसा है कि रुकावट कम सी कर दी, पर कंट्रोल तो रखा ही है। हाँ जी, अगने तजे जान दे ना पोती को जान दे। अच्छा, छुप के जान लगी। तो घर का भी काम किया आपने, अपना सपना भी पूरा किया, और सहन शक्ति और बढ़ाई ताकि आप इसको पूरा कर सके। नू कहते ना, तो औरत तो पाँ की जुत्ती है, औरत कुछ नहीं कर सकती रही ना, काढ़े नहीं थे बार बार नहीं लिखन देता कोई। सही बात है, कोई पढ़ावे नहीं था, हमारी उम्र में तो जाने ही नहीं कैसा पढ़ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, नू है हमने भाई लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ। हाँ जी, लड़की खिलाओ भी, लड़की खिलाओ भी, लड़की के नहीं कर सकती सब कुछ करे। तो ये बंदूकें पकड़ के आपको डर तो नहीं लगा पहली बार, जब आपने पहली बार बंदूक पकड़ी तो? नहीं, वो डर नहीं लगा, डर लगा तो लगो करूँ इस काम को। अच्छा, तनेंगे तो बनेंगे, डरेंगे तो मरेंगे।
तो आज आपके गांव में कितनी लड़कियां अब आजकल ये खेल में ज्यादा जा रही हैं? गांव की भी, आस पड़ोस के गांवों की बहुत लड़की पढ़ लिख कर बहुत बदलाव आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। पहला तो काम पढ़ना जरूरी, हर काम में सही में पढ़ाई चाहिए, और जो है फिर अपना कोई गेम खेलने का भी लो। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें लगन करो, लगन करके बाहर निकलो। एक बार हार गए तो हार को हार ना मानो, दुख का तो दुख नहीं पर सुख का सुख नहीं। अच्छा, मेरे लिए वृत्ति एक सार है। हाँ जी। फिर जीत बहुत हो रही। हाँ जी। और जीत होने में भाई बच्चों को भी जीत सिखा रखी, कोचिंग भी दी, बिल्कुल पटना बिहार दी, 40 बच्चे तैयार करे, गरीबी इलाका। हाँ जी। बहुत अच्छा रहा वहाँ, उन्हें कोटा मिलन लगे, मैं तो हीरो बन गए। हाँ जी। अच्छा, बादल दी गंज में भी, बुआस में भी, उन्होंने रेंज खोल दी, मैं कोचिंग भी दी, खेलती भी रही। तो आप सिखाते भी हैं और आप खेलते भी हैं? वाह। बादल, इंदौर, आसमसोल। हाँ जी। गांव में सारे को बहुत 5-7 जगह कोचिंग दी, वे बच्चे सफल हो गए। हाँ जी हाँ जी। तो बदलाव इतना आ गया, गामों की गुंडागर्दी हट गई, बच्चे खेल पे लग गए। खेल पे लग गए। तो आपको उस टाइम ऐसा नहीं लगा अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, मैं क्या करूंगी, अब कैसे होगा? या बेटे, उम्र बुढ़ी नहीं होती, तन बुढ़ा हो मन बुढ़ा नहीं होता। मन बुढ़ा नहीं होता, तन बुढ़ा हो जाए। गलत पर तो चलो ना, सही पर हटो ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब मतलब अभी आपकी उम्र कितनी है? एक तो 88 है। 88 है। और अभी आपका नेक्स्ट पढ़ाव क्या है, मतलब अब आप आगे क्या करना चाहेंगी? आगे यही करना चाहूंगी, अब भाई जहाँ तक ख्याल है बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, माँ बाप को फैसिलिटी देनी ही। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को फैसिलिटी दोगे और उनके ऊपर छोड़ दोगे तो वे कुछ कर खावांगे। लड़के लड़की, लगन वाले तो लड़के बहुत कुछ काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो लगन होनी चाहिए सबको। हाँ जी। लेकिन मजा ज्यादा गर्ल्स की है। गर्ल्स की है। इसलिए भाई पहले कहता करते औरत पाँ की जुत्ती टूट गई और पैर लगे। अच्छा भाई, जुत्ती नहीं रही, औरत पाँ की जुत्ती नहीं रही। तो अभी जैसे कि हाल ही में एक फिल्म बनी है आपके ऊपर, तो कैसा लग रहा है वो? और ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अब तो पूरे विश्व में कहा जाता है, वैसे तो विश्व में आपकी मूवी तो चली रही है, और विश्व में आप ऐसी लेडी हैं जो 88 साल की उम्र में भी, मतलब इसी उम्र में आप शार्प शूटर हैं। तो नहीं के हूँ, भगवान है। सही बात है। वो है, मेरा तो लगन करना काम है। लगन करना काम। टूट फूट हो रही। हाँ हाँ। टूट गया था। हाँ हाँ। हाथ जुड़ गया। पाँ कहीं हड्डी टूट गई थी, पाँ की जुड़ गई। सही बात। जोड़न तोड़न वाला वो है, जोड़ो तोड़ो कुछ करो। मजे तो बच्चों तक काम है, चूकी गए लगन करनी। तो आप आज की लड़कियों को, आज की नारी को, आज की औरतों को कुछ बोलना चाहेंगी? अब पहले तो पढ़ाई, पढ़ाई हर काम में काम। बिल्कुल बिल्कुल है। और फिर अपना गेम भी लो, जो घर का इल्ला है वो भी करने में कोई तोहिंद नहीं। अपने झाड़ू पोछे करने भी पड़ते हों, सही, उनमें कोई हर्ज नहीं। सही बात है, वो करना चाहिए, उसमें और हाथ मजबूत हो और क्या, और दिल मजबूत हो और अपने को मजबूती रखो। थैंक यू सो मच दादी जी, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। आई वुड से कि भारत की लक्ष्मी से आज हम मिले हैं, जिनके साहस, जिनका जोश, जिनका लगन साबित कर देता है कि अगर आपका पैशन है, अगर आपकी लगन है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं, कोई एज बैरियर नहीं है। और हम बहुत जल्द आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए कीप टॉकिंग सेंस। सी यू सून।